कृषि व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था। ये आज तस्वीर प्रदेश की आप सबके सामने है। ये चौपट प्रदेश बना हुआ है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, घोटाला प्रदेश। मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में क्या सुनाऊं? हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति, आप भी यहां हैं उनमें से, अपने प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। अति उत्साहित नौजवानों, सबसे पहले हम सब नारा लगाएंगे, जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। आज गोंडवाना की रानी दुर्गावती की जयंती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। देश में सभी आदिवासी महामानवों को प्रणाम करता हूं, टांटिया मामा जी को प्रणाम करता हूं, भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं, रघुनाथ शाह को प्रणाम करता हूं, शंकर शाह को प्रणाम करता हूं, बादल भोई को प्रणाम करता हूं, बीबा नायक को प्रणाम करता हूं, खाजबा नायक को प्रणाम करता हूं, सीताराम कंवर को मैं प्रणाम करता हूं, रघुनाथ सिंह मंडलोई को प्रणाम करता हूं। मुझे यहां आकर बहुत खुशी हुई, पर प्रियंका जी, आप ऐसे प्रदेश में आए हैं जो आज चौपट प्रदेश है। यहां चौपट रोजगार, इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवान यहां खड़े हैं। यहां चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था। ये आज तस्वीर प्रदेश की आप सबके सामने है। ये चौपट प्रदेश बना हुआ है। और जब मैं ये नौजवानों की ओर देखता हूं, सबसे बड़ी चिंता आज हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में। अगर नौजवान का ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज सबसे बड़ी चुनौती, बहुत सारी चुनौतियां हमारे प्रदेश में हैं, पर मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य का है। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, ये आज प्रदेश की हालत है। और शिवराज सिंह जी 18 साल के बाद हर साल हर 11 महीने कहते हैं मैं 1 लाख की भर्ती कर रहा हूं। 11 महीने पहले का 1 लाख की भर्ती होने वाली है। मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं, 1 लाख छोड़िए, आप जो अतिथि शिक्षक हैं, जो रिक्त पद हैं, उन्हें ही भर दीजिए। पर आज ये सड़कों में जो हालत है, ये आप सबके सामने है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, घोटाला प्रदेश। मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में क्या सुनाऊं? हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति, आप भी यहां हैं उनमें से, अपने प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है या गवाह है? ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है, पैसे दो काम लो। 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में अपना नाम लिखा लो। सही बात है? ये आज हालत अपने प्रदेश की है। हर चीज में घोटाला, पटवारी घोटाला हुआ, यहां महाकाल को भी नहीं छोड़ा, महाकाल घोटाला हुआ, पोषण आहार का घोटाला हुआ, यहां आपके करम डैम का घोटाला हुआ। पूरे घोटाला और भ्रष्टाचार से अपने प्रदेश की पहचान बनी है। और यही आज व्यवस्था जो बनाई हुई है,
नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार और घोटाला। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने 18 साल में दिया क्या? शिवराज सिंह जी आप जवाब दीजिए, आपने 18 साल में दिया क्या? महंगाई दी आपने, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना में मौत दी, भर्ती घोटाला दिया, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया, बाल अपराध दिया, आदिवासी अत्याचार दिया। आज पूरे देश में मध्य प्रदेश है नंबर वन आदिवासियों के अत्याचार पर। ये आदिवासी क्षेत्र है और कितने दुख की बात है कि हमारा प्रदेश कैसा कलंकित हुआ है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर है, ये आप सबके सामने है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। आज शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहनें याद आई हैं, 18 साल बाद कर्मचारी याद आए हैं, क्योंकि 6-7-8 हफ्ते में चुनाव है। शिवराज जी ये कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई, ये नाटक और नौटंकी की राजनीति बहुत हो गई। आपको ये दुखी किसान जिसको खाद और बीज के लिए भटकना पड़ता है, जिसको न्याय के लिए भटकना पड़ता है, आप इसकी आवाज सुन नहीं सकते, आपके कान नहीं चलते। आपको ये बेरोजगार नौजवान नहीं दिखते, आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते शिवराज जी, आंख नहीं चलती, पर आपका मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। आपने जो धोखा दिया है, 18 साल में, शिवराज सिंह जी तो नारियल अपने जेब में लिए घूमते हैं। जब सड़क का नारियल फोड़ने जाते हैं, नारियल तो टूटता नहीं, सड़क जरूर टूट जाती है, ये हालात है। और ये बचा क्या है बीजेपी के पास? छिपाना, दबाना और डराना, सही बात है, यही बचा है। और अब तो शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड का चुनाव दिख रहा है, उनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। शिवराज सिंह के झूठ तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। ये शिवराज सिंह जी आपको पूरे प्रदेश ने पहचान लिया है। हमारी सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 महीनों के लिए, जिसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 11.5 महीने में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ करना शुरू किया और धार में लगभग 82,000 किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ हुआ, सही बात है। अगर हमने बिजली दी 100 यूनिट 100 रुपए में, कौन सा गलत काम किया मैंने, कौन सा गुनाह किया मैंने? मैं तो कहता हूं हमने गौशाला बनाए, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में गौशाला नहीं बने, 1,000 गौशाला हमने बनाए, कौन सा पाप मैंने किया? मैं तो पूछता हूं जनता से, आपसे पूछता हूं, कौन सा गुनाह, कौन सी गलती, कौन सा पाप मैंने किया? आपको तो हमने एक शुरुआत करी थी कि हमारे प्रदेश की पहचान बने। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको केरल और तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आता, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसको विश्वास नहीं। नौजवानों याद रखिएगा, निवेश तो आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास होए, और किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं।
मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की पहचान बने, मध्य प्रदेश की नई पहचान बने, विश्वास की पहचान बने, हमारे यहां निवेश आए। हमारा किराने की दुकान भी चलती है जब किसानों की जेब में पैसा होता है, उससे आर्थिक गतिविधि बनती है। तो मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता, प्रियंका जी हमारे बीच में है, मैं उन्हें आपकी ओर से अपनी ओर से स्वागत तो करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं, आप धार आ गए, बार 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 आप मध्य प्रदेश आते जाइए, यहाँ के जनता आपसे बहुत प्रेम और प्यार करती है। 6-8 महीनों में जो चुनाव है, 6-8 हफ्तों में चुनाव है, ये चुनाव केवल किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, हमारे नौजवानों के भविष्य का है। और मुझे पूरा विश्वास है, आप ये तस्वीर रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के हालात अपने सामने रख लीजिएगा और आप सब मिलके सच्चाई का साथ देंगे। सच्चाई पहचान लीजिएगा, कलाकारी पहचान लीजिएगा, सच्चाई का साथ देंगे आप तो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।